कुछ ही दिनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा की जनता किसके सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सजाएगी, ये कुछ ही दिनों में तय हो जाएगा। क्या 10 सालों से राज करने वाली बीजेपी की सरकार अगले 5 सालों तक फिर राज करने वाली है, या कांग्रेस अपना दबदबा बनाने वाली है, या फिर कहे कि अब की बार हरियाणा की जनता एक मौका केजरीवाल को देने वाली है। नमस्कार, मैं हूँ फियाजा गौर, स्वागत है आपका प्राइम एशिया टीवी पर। इस रिपोर्ट के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या केजरीवाल के जेल से बाहर आने से हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ताकत मिलेगी, बीजेपी और कांग्रेस को कितने कांटे की टक्कर मिलने वाली है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसके बाद वह तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल को जमानत मिल गई है और वे बाहर भी आ चुके हैं। अब वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान की कमान संभाल रहे हैं और पार्टी की रणनीति को जमीन पर उतार रहे हैं। केजरीवाल की रिहाई से बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी की 10 साल से सरकार है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। अब तक दोनों ही पार्टियां चुनावी अभियान में दमखम दिखाती आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी भी मैदान में है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आम आदमी पार्टी को चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी के बागी नेताओं से उम्मीद है। इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार भी कर लिया है और कई इलाकों में मजबूत पकड़ भी बनाई है। हालांकि ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा कि आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव में कितना जादू चलता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर चमक जरूर बिखेर दी है। फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब तक केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मोर्चा संभाले देखी गई हैं और केजरीवाल की गैर मौजूदगी में भी धुआंधार प्रचार करती हुई दिखाई दी है। उन्होंने केजरीवाल को हरियाणा के लाल और हरियाणा के शेर के तौर पर पेश किया है। हरियाणा में 12 सितंबर को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अब प्रचार अभियान ने गति पकड़ ली है। बड़े बड़े नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम भी जारी है। ऐसे में केजरीवाल की रिहाई टाइमिंग के हिसाब से परफेक्ट मानी जा रही है। चूंकि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का संगठन दिल्ली और पंजाब की तुलना में काफी कमजोर है और ऐसे में केजरीवाल की कैंपेनिंग से ही उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा उम्मीद है। कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत टूटने के बाद विपक्षी गठबंधन में भी फूट दिखाई दे रही है। जानकारी मुताबिक केजरीवाल के बाहर आ जाने से अब न सिर्फ संगठन में एकजुटता देखने को मिल सकती है, बल्कि नाराज नेताओं को भी मनाकर चुनावी अभियान में जुटाने में मदद मिल सकती है। केजरीवाल के लिए दिल्ली राजनीतिक कर्मभूमि है तो हरियाणा उनका अपना गृह राज्य है। केजरीवाल का हरियाणा में हिसार के खेड़ा में पुश्तैनी गाँव है। अक्सर राजनीतिक सम्मेलनों में भी केजरीवाल खुद को हरियाणा से जोड़ते आए हैं और खुद को हरियाणा का बेटा बताते हैं। केजरीवाल को दिल्ली वालों की नब्ज पहचानने में माहिर माना जाता है। उन्होंने हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में भी अपनी पार्टी की सरकार बनाकर इतिहास बनाया है। अब दिल्ली और पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा की पारी है। आम आदमी पार्टी नेता अपने चुनावी प्रचार में इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि केजरीवाल भी अपने चुनावी अभियान में इसे मुद्दा बना सकते हैं और आम जनता में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। जानकारी मुताबिक केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी को बूस्टर मिलेगा और पार्टी मजबूत होगी, संगठन एकजुट होगा और अपने सबसे बड़े चेहरे के जरिए बीजेपी और कांग्रेस को घेरने में मदद मिल सकेगी। केजरीवाल की रिहाई को कांग्रेस के लिए भी टेंशन माना जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। जानकारी मुताबिक हरियाणा में आम आदमी पार्टी अभी भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और पार्टी के प्रमुख नेता की जमानत से उन्हें एक और मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। यह रिहाई पार्टी के समर्थकों के मनोबल को बढ़ा सकती है। इससे आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति को और मजबूती मिल सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पार्टी का जनाधार कमजोर है। आम आदमी पार्टी को प्रचार के दौरान एक सकारात्मक नैरेटिव तैयार करने का मौका मिल सकता है। हालांकि चुनावी नतीजे कई अन्य फैक्टर पर भी निर्भर करते हैं। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के लिए भी यह टेंशन होगी कि आम आदमी पार्टी उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। जानकारी मुताबिक केजरीवाल की रिहाई बीजेपी के लिए भी एक टेंशन बन चुकी है, क्योंकि बीजेपी का शहरी इलाकों में अच्छा खासा वोट बैंक है और आम आदमी पार्टी भी शहरी इलाकों में भी पकड़ बना रही है। संभव है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के जरिए शहरी वोटर्स में सेंध लगा सकती है, इससे बीजेपी का काफी नुकसान हो सकता है। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच पारंपरिक मुकाबला होता है। आम आदमी पार्टी का उभरना वोटों का बंटवारा
कर सकता है, खासकर शहरी इलाकों और उन क्षेत्रों में जहां लोग बदलाव चाहते हैं। इससे कांग्रेस या बीजेपी को नुकसान हो सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला करीबी है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी अपने चुनावी एजेंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाती। केजरीवाल की रिहाई से ये मुद्दा चुनावी चर्चा में केंद्र में आ सकता है। एक फैक्ट यह भी है कि हरियाणा में कुछ बड़े नेताओं के परिवार ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं, जिन्हें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने टिकट नहीं दी है। संभव है कि ऐसे नाराज नेता आम आदमी पार्टी के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने कई विधानसभाओं में ऐसे कैंडिडेट खड़े किए हैं जो इससे पहले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। जाहिर है कि ये प्रत्याशी कांग्रेस को बहुत परेशान करेंगे। बीजेपी के विरोधी वोटों में अगर सेंध लगती है तो इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। हरियाणा में कम से कम 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट नहीं जीत सके, तो कांग्रेस को कमजोर करने का तो काम कर सकते हैं। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, मगर पार्टी का वोट शेयर केवल 0.48% ही रहा था। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का फोकस खासकर शहरी और कस्बा इलाकों में ज्यादा है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में आते हैं। आम आदमी पार्टी का प्रभाव यहां देखने को मिल सकता है। इन जिलों के लोग दिल्ली की राजनीति और नीतियों से प्रभावित होते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के मॉडल के चलते पार्टी ने यहां एक बुनियादी जनाधार तैयार किया है। इसके अलावा हिसार में आम आदमी पार्टी की पकड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों के प्रभाव वाला रहा है, जिसे आम आदमी पार्टी का एक अवसर मिल रहा है। कुरुक्षेत्र और करनाल जिले भी NCR के करीब है और आम आदमी पार्टी ने यहाँ भी अपना आधार बढ़ाने का प्रयास किया है। करनाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का गृह जिला है, इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सोनीपत और पानीपत जिले भी NCR का हिस्सा है और यहाँ के लोग दिल्ली की राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित होते हैं। आम आदमी पार्टी ने यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। रोहतक भी महत्वपूर्ण जिला है, यहाँ आम आदमी पार्टी ने अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की है। यहाँ परंपरागत रूप से कांग्रेस का प्रभाव रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यहाँ भी विकल्प के रूप में अपनी पहचान बनाने का प्रयास किया है। भिवानी, रेवाड़ी और झज्जर जिले भी आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, खासकर जब पार्टी ग्रामीण और कस्बा इलाकों में अपनी रणनीति को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही है। उम्मीद करते हैं कि यह रिपोर्ट आपको पसंद आएगी। ऐसी ही और रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे प्राइमेशिया टीवी के ऑफिशियल पेज पर जाकर भी आप कई और रिपोर्ट्स देख सकते हो। बने रहो प्राइमेशिया टीवी के साथ, तुहाडा अपना तुहाडे लिए।